नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। घेवर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और घेवर राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या ली है। तो दूध लिया है आधी गिलास, ये शुगर, मैदा, घी, आइस क्यूब। इस तरह का एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें अपना ये डालेंगे घी। घी हमने आधा कप के करीब लिया और आइस क्यूब डालेंगे और इसको इस तरीके से बढ़िया फेंटेंगे, बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाए ये घी। देखिए ये पूरा बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है, ये बिल्कुल वाइट वाइट हो गया है। अब हम इसे भी मिला लेंगे दूध। ये देखिए इसे भी इस तरीके से चला लेंगे। अब डालेंगे मैदा, मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि लम्स नहीं पड़े, और इसे भी इसी तरीके से चलाएंगे। अब जो ये बचा हुआ मैदा है इसको पूरा डाल देंगे इसी में। ये देखिए पूरा मैदा हमने इसमें डाल दिया है और अच्छे से चला दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी को भी मैंने बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, ये अच्छे से घुल गया है। ये देखिए इतना पतला करना है, ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको। गैस पे भगोनी रख दी है और तेल डाल करके और गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, बबल्स आने लगे हैं। थोड़ा सा बैटर डाल करके हम पहले चेक कर लेंगे। ये देखिए तेल अच्छा गर्म हो गया है। ये देखिए गैस को तेज ही रखना है, मती नहीं करना है। ऐसे इस तरीके से नाइफ की सहायता से इसकी जगह बना लेनी है। जब ये बबल से बंद हो जाए तब फिर बैटर दोबारा फिर डालना है। ये देखिए इस तरीके से बीच में जगह बनाते रहना है। ये देखिए इसको हम किनारे से ऐसे ऐसे कट कर देंगे चारों तरफ से। अभी हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद इस तरीके से एक प्लेट लेंगे और उसमें कटोरी रखेंगे और उसमें ऐसे रख देंगे ताकि पूरा इसमें जितना ऑयल है पूरा निथर जाए और इस बड़ी वाली प्लेट में आ जाए अच्छे से। अब चलिए चाशनी की तैयारी करते हैं। तो हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें अपने डालेंगे शुगर और गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे पानी, पानी हम आधी गिलास डाल रहे हैं और शुगर को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। ये चाशनी एकदम बन करके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें चाशनी लगाएंगे। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं या चाहे तो मलाई भी लगा सकते हैं।